1, 2, 3। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो चैनल गाइस, तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं आइए पास में। तो आज मेरे पास ये टर्बाइन है और मैं इसके हेल्प से आप लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या किया है, मैंने ये टर्बाइन है उस पर क्या है, इसमें मैं 15 महीने ब्लेड डाल दिया हूँ और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मोटर है, उसके हेल्प से मैं कनेक्ट मतलब जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें क्या है, जो मोटर का मतलब पानी जो फोर्स में आता है उसको मैं पाइप के थ्रू यहाँ पे स्ट्राइक कराऊंगा। जैसे आप स्ट्राइक हो तो ये ऑब्वियसली जो ये नचेगा, अगर ये टर्न कर रहे ऐसे नच रहा है। तो उसमें क्या किया हमने, यहाँ पे क्या डाल दिया है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया हूँ एक पुली और मेरे पास यहाँ पे 5 KVA का एक जनरेटर है। तो इस जनरेटर को मैं उठा के यहाँ पे रख दूंगा उसको फिक्स करके, और इसको और उस पुली को मैं फैन बेल्ट के मतलब मदद से इसको कनेक्ट कर दूंगा। और जैसे यहाँ पे पानी फिक्स है तो ये मतलब रोटेट होगा, और ये रोटेट हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोग यही करके दिखा रहा हूँ, तो वीडियो लास्ट में बने चैनल से वीडियो भी एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए मैं आप लोग यही मतलब प्रोसेस पूरा अच्छे से करके दिखाता हूँ। तो गाइस क्या करते हैं, पहले ये टर्बाइन को मैं वहाँ पर जाकर प्लेस करके फिक्स करता हूँ, और चलिए आप लोग मतलब वीडियो में आप बने रहिए, ठीक है। उठा कर लेके चलो, सो गाइज आवर सेटअप इज ऑलमोस्ट डन। तो आइए मैं बता रहा हूँ क्या किया है, आओ पास में राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मोटर वहाँ पे बोरवेल उसे वो कनेक्ट है, और जो पानी आएगा मोटर का इसके थ्रू आएगा, ठीक है। और इसके थ्रू पानी आ रहा है, तो ये पानी को हमने क्या किया, यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा। जैसे मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसको मारेगा तो ऐसे में ये टर्न कर रहा है, ठीक है। ये टर्न कर रहा है, ये इसका पाइप है और इस पर आना भाई। तो गाइज इसमें क्या था, ये हमारा पुली जो इसमें बड़ा हुआ था, तो मैंने इस पुली को हटा दिया, यहाँ पे एक छोटा पुली डाला, यहाँ पे 12 पुली है, ठीक है। और ये मतलब जनरेटर जब इलेक्ट्रिक जनरेट करने की हमें कम से कम 1500 RPM चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे ये 500 टन हो रहा है तो ये भी 1500 है, क्योंकि यहाँ पे इसका 3 मल्टीपल लेस पे है, ये इसका 3 मल्टीपल ज़्यादा है। अगर ये 1 बार टन का तो यहाँ पे ये 3 बार टन करेगा, और इसको 500 RPM पे नच रहा है तो ये 1500 देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। तो इसके लिए हमने इस पुली को हटाया, छोटे 12 पुली है, छोटे पुली यहाँ पर डाल दो, और ये फैन बेल्ट से हमने कनेक्ट करके यहाँ पे ये कर दिया। तो अब क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी आप मोटर जब स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ मतलब करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए आप लोग यही करके दिखाता हूँ। तो गाइस हमने टेस्ट किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मतलब यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैं यहाँ पे 1, 2, 3 काउंट डाउन पे स्टार्ट करता हूँ और आप लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट दिखाता हूँ, ठीक है। 1, 2, 3। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो पानी बहुत जोर से मारे, स्पीड जो बहुत जोर से है, ठीक है। वहाँ पे एक्सचेंजर वहाँ पे चेंज किया, और बत्ती जो हमारा ग्लो कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला प्रोड्यूस हो रहा है, और उधर का जो उधर का एक्सचेंजर का मतलब कनेक्शन में दिया है, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा बल्ब जो पे ग्लो हो रहा है, फाइनली टर्बाइन जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, इस वीडियो में इतना ही था, हमने मतलब हमारा इसमें वीडियो में यही मतलब मोटिव था कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आए तो उसमें मैं क्या कोशिश करने वाला हूँ आप लोग बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर मैं जनरेट कर पा रहा हूँ, अब इसी इलेक्ट्रिसिटी से मैं उस मोटर को चलाऊंगा और उस मोटर का जो पानी आ रहा है वो टर्बाइन पर हिट करेगा और फिर से जनरेटर हमारा कनेक्ट देगा, यह मसाइल रिपीट होता रहेगा, ठीक है।
तो हाँ मैं मानता हूँ ये करना थोड़ा इम्पॉसिबल जैसा दिख रहा है, लेकिन हम ट्राई करेंगे ठीक है। इसमें मैं बेसिकली क्या करूँ, हम लोग एक चेंजर बनाना होगा जो कि मतलब जैसे मैं एक्सटर्नल करंट दूंगा तो मोटर चलेगा, वो पानी फेंकेगा, टर्बाइन को हीट करेगा, टर्बाइन हीट करेगा, हमारा ये जनरेटर चलेगा, जनरेटर करंट प्रोड्यूस करेगा, फिर उसी करंट से उस मोटर को चलाएंगे। तो उस बीच में हम लोग एक ऐसा मीडियम चाहे जो कि मतलब इस करंट को मतलब फिर बदल एक्सचेंज कर पाए ठीक है। तो उसके लिए हम लोग मतलब थोड़ा टाइम रिसर्च लेकर हम लोग करके उसको कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, और इतना मेहनत कर रहे गाइज आप लोग, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपका छोटा भाई का ही चैनल है ठीक है, आपका ही चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो भी एक लाइक कर दे, तो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।